हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार। बेलतरड़ी थाना अंतर्गत नकली चेक बनाकर बैंक व एक स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 20,76,000 रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। ठगी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चंद्रपुर और वर्तमान में पिरामिड सिटी नंबर 4 बिल्डिंग बी फ्लैट नंबर 604 गोगली निवासी अजय दशरथ आसुटकर खापा नरखेड मुंडा फले कॉलेज पावर हाउस के समीप नरखेड और वर्तमान में सोनारकर के घर में किराए से रामेश्वरी रोड में अजनी निवासी महेश एकनाथ ठकी थे तथा रेशिमबाग निवासी नितिन नारायण निखारे ने मिलकर उस बैंक का नकली चेक बनाया जिसमें माइक्रोफिन कंपनी का खाता है। तीनों आरोपियों ने मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा दादर मुंबई में खाता होने वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नकली चेक बनाया है। चेक बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहां के बैंक अधिकारी को विश्वास में लिया। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेक को आरोपी अजय आसुटकर ने बेलतोरड़ी स्थित हाईटेक पावर इंजीनियर नामक फर्म के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बेसा के खाते में डिपॉजिट कर दिया। अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद आरोपियों ने अपने बैंक खातों आईसीआईसीआई बैंक यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही देर में बैंक खातों में राशि जमा होने के बाद आरोपियों ने आरटीजीएस और चेक को क्रैश विड्रॉल कर दिया। इस प्रकार आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत बड़ी चालाकी से बैंक और माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 20,76,000 रुपए का चूना लगाया है। बावजूद इसके पुलिस ने यह गुत्ते सुलझाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।